हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भूपेंद्र भट्ट तथास्तु ट्रेनिंग स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूंगा आपसे कि आप अभी से सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और हम बात करेंगे आज एट कोर स्टेप्स की बात करेंगे, जो इस बिज़नेस के लिए यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो वो क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो है, यहाँ पर हमें अपना एक लक्ष्य बनाना है, गोल तय करना है। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा हमें जाना कहाँ है, हम जाना कहाँ चाहते हैं, तो हम इस बिज़नेस में कहीं भी नहीं पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले हमें तय करना होगा कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस जो अभी कंपनी आप कर रहे हैं उस कंपनी को आपने क्यों चुना है, और आप उसके साथ में क्यों काम कर रहे हैं, उससे आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह के घर में रहना चाहते हैं, कैसी कार लेना चाहते हैं, कैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप लिखिए। यानी अपना एक लक्ष्य तय कीजिए, अपना एक गोल बनाइए। दूसरा, हमें कम से कम एक सप्ताह के अंदर 5 लोगों से मिलना है, कम से कम 5 लोगों को डेमो दिखाना है, कम से कम 5 लोगों को हमें बिज़नेस के बारे में बताना है। उसके अलावा हमें हर महीने, अगर आप सीरियस हैं इस बिज़नेस को करते हुए, तो हर महीने हमें कम से कम 5,000 से ज़्यादा बिज़नेस वॉल्यूम करने चाहिए, तब हम इस बिज़नेस को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके अलावा हमें इस बिज़नेस को आगे बढ़ने के लिए, यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस करने के लिए, हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड PMA पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़नी चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की CDs सुननी चाहिए, ऑडियो वीडियो देखने चाहिए। और अगर हो सके, आपको पास ऑडियो वीडियो नहीं हो, तो इस बार आप YouTube पर जा सकते हैं। YouTube पर आपको हजारों मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगे, हजारों ऑडियो वीडियो मिल जाएंगे, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, हर मीटिंग सेमिनार इंपॉर्टेंट होता है। ये ना सोचें कि यार ये तो मेरे पड़ोस में है, ये तो मैंने पहले देखा है, ये स्पीकर को मैंने पहले सुना है, बट हर इम्पॉर्टेंट जरूरी है, हर फंक्शन इम्पॉर्टेंट है। आप नहीं जाओगे तो आपकी डाउनलाइंस भी नहीं जाएगी, ये बिजनेस ऐसा ही है। तो आपको अपनी डाउनलाइंस को ले जाने के लिए, डाउनलाइंस को कामयाब करने के लिए, आपको इस बिज़नेस के हर मीटिंग फंक्शन में जाना है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप एनर्जेटिक रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे, आपके पास करंट नॉलेज रहेगी। उसके अलावा अगला पॉइंट जो है, आपको अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन कौन है? एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन वो है जो अपने पिन लेवल्स भी चेंज कर रही है, वो सिस्टम में है, मीटिंग सेमिनार में आ रहे हैं, और वो भी अपने अपलाइन की बात मानते हैं, और वो भी अपने अपलाइन से काउंसलिंग करते रहते हैं। तो आपको उन लोगों की संगत में रहना है जो आगे बढ़ रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं। यानी आपको हर महीने अपने अपलाइन से काउंसलिंग करनी है कम से कम एक बार। उसके अलावा आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना है, एक जवाबदेह व्यक्ति बनना है, आपको एक ऐसा आदमी बनना है जो अपनी जबान का पक्का है, जो कहता है वो करता है। क्योंकि अब आप एक ऐसे लेवल पे जा रहे हैं जहां पर लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपको वही चीज़ें करनी है जो आप कहते हो, जो आप कहते हो वो अगर आप नहीं करोगे तो प्लीज़ 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 आप ऐसी चीज़ें ना कहें जो आप कर नहीं पाएंगे। और निरंतर आगे बढ़ने वाले, निरंतर काम करने वाले बने, जिससे कि आपकी डाउनलाइंस आपको देखें और वो भी आपके जैसा बनना चाहे। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारा जो ये बिज़नेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस, वो है LTD, लर्नेबल टीचेबल एंड डुप्लीकेटेबल। यानी हमें इस बिज़नेस को लर्न करना है, सीखना है, बहुत अच्छे से हमें इस बिज़नेस को सीखना है। जब हम बहुत अच्छे स्टूडेंट बनेंगे तभी तो हम बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। तो हमें इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से सीखना है, उसके बाद में हमें इस बिज़नेस को डुप्लीकेट कर अच्छे से सीख के हमें सिखाना है, जिससे कि वो आगे डुप्लीकेट हो जाए। तो LTD बिज़नेस है, सीखें, सिखाएँ और कमाएँ। ये बिज़नेस ऐसा ही है, आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से, इन सारे बेसिक्स को, सारे 8 कोर स्टेप्स को, सारे गाइडेंस रूल्स को, सभी चीज़ों को फॉलो करें और सिस्टम को फॉलो करें, और आप इस बिज़नेस को ऊंचाइयों पे ले जाइए। थैंक यू।